अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को ध्यान से स्टडी करें तो हमें एक से एक अजीबोगरीब फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो हमने कभी अपने ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा भी नहीं होगा और काफी लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लेस नोन और काफी इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कितनी ज्यादा स्ट्रेंज हो सकती है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला सिटी से 35 माइल की दूरी पर है वल्कन पॉइंट, जो कि एक काफी छोटा सा आइलैंड है। बट ये आइलैंड एक लेक के बीच में है और ये लेक एक वॉल्केनो के बीच में है, वो वॉल्केनो एक और लेक के बीच में है और ये लेक एक और आइलैंड के बीच में है और ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के एक आर्किपेलागो के बीच में है। वेट, क्या ये इमेज इस पूरे के पूरे खिचड़ी का है? वल्कन पॉइंट आपको शायद इस इमेज में नजर नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे ये है वल्कन पॉइंट और ये एक क्रेटर लेक के अंदर है और ये क्रेटर लेक जो है ये एक वॉल्केनो के बीच में है जिसका नाम है ताल वॉल्केनो। ये वॉल्केनो इस लेक पे है जिस लेक का नाम है ताल लेक और ये ताल लेक फिलीपींस के लुजोन आइलैंड के बीच में है और ये लुजोन आइलैंड पैसिफिक ओशन में फिलीपींस के आर्किपेलागो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हो अब इजी लग रहा है, बट अगर यही आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा हो तो अगला वाला फैक्ट आपके ब्रेन सेल्स की थोड़ी सी एग्जाम लेने वाला है। वेल, आप सभी को लगता होगा कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप असल में ये है। हमने आज तक यही पढ़ा है कि यही अमेरिका का असली मैप है, बट इसमें कुछ मिसिंग है। यूएसए का मैप ये नहीं है, यूएसए का मैप असल में ये है। ये जो ये पार्ट है, इस पार्ट का नाम अलास्का है और ये यूएसए का 49th स्टेट है और अलास्का को यूएसए ने रशिया से खरीदा था इन द ईयर 1857 और उन्होंने इसके लिए अनबिलीवेबल $7,200,000 पे किए थे और अलास्का को 1959 में अमेरिका के एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। बट असली कंफ्यूजन पॉइंट असल में ये नहीं है, असली कंफ्यूजन पॉइंट तो ये है कि अलास्का जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो कि ऑब्वियसली दिखता भी है, बट एट द सेम टाइम ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट भी है। ये कैसे हो सकता है यार? मतलब तू कह रहे कि मुंबई इंडिया के वेस्ट में भी और एट द सेम टाइम मुंबई इंडिया के ईस्ट में भी है। अलास्का और रशिया के बीच इस पॉइंट से पार होता है 180 डिग्री मेरिडियन लाइन और 180 डिग्री मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है। अलास्का के एल्यूटियन आइलैंड्स ग्रुप जो कि इसी रीजन में पड़ते हैं, उसके एमेटिग्नक आइलैंड्स 180 डिग्री मेरिडियन के सबसे करीब है उसके वेस्टर्न साइड में, इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बन जाता है। बट एट द सेम टाइम सेमी सोपोकनाई आइलैंड्स जो कि इन्हीं एल्यूटियन आइलैंड्स का एक पार्ट है, वो 180 डिग्री मेरिडियन के सबसे क्लोज है उसके ईस्टर्न साइड में, जिस वजह से ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट भी बन जाता है एज ये अलास्का का ही एक पार्ट है। तो गाइज, नेक्स्ट फैक्ट के लिए ज्यादा दूर नहीं जाते, हम यहीं रुकते हैं। अब जब अलास्का यूएसए का ही एक स्टेट है तो टेक्निकली देखा जाए तो रशिया और यूएसए के बीच में जो डिस्टेंस है नियरली 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर। यहाँ इस पॉइंट में मौजूद है डायोमेडिस आइलैंड, बट दोस्तों इसका जो बिग डायोमेडिस आइलैंड है ये रशियन टेरिटरी का पार्ट है और जो लिटिल डायोमेडिस आइलैंड है वो यूएसए के टेरिटरी का पार्ट है और इन दोनों के बीच में मियरली 4 किलोमीटर का गैप है, तो हुए ना फाइनली रशिया और अमेरिका 4 किलोमीटर से दूर। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये दोनों सिर्फ 4 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इन दोनों के बीच में 21 घंटे यानी कि 21 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। बिकॉज दोस्तों यहाँ से सिर्फ 180 डिग्री मेरिडियन लाइन ही पास नहीं होती, इस रीजन से पास होता है इंटरनेशनल डेट लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक इन्हीं दो आइलैंड्स के बीच में यानी कि बिग डायोमेडिस और लिटिल डायोमेडिस के बीच से क्रॉस होता है, जिस वजह से इन दोनों आइलैंड्स के बीच में एक दिन का डिफरेंस बन जाता है। मेक्सिको सिटी जो कि मेक्सिको देश का कैपिटल है, इसकी पॉपुलेशन 90 लाख से भी ज्यादा है और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है। बट दोस्तों इस सिटी के साथ एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। 2021 के कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको सिटी हर साल नियरली 20 इंच तक जमीन में धंसते जा रहा है
और ये पहले तो सिर्फ 4-5 इंचेस धंसता था, बट अभी कहीं सालों बाद ये बढ़ के 20 इंचेस तक हो गया। मेक्सिको सिटी असल में एक बहुत बड़े लेक के ऊपर बना है। फ्रेश वाटर की कमी होने की वजह से, वाटर स्कैर्सिटी होने की वजह से मेक्सिको सिटी के अथॉरिटीज को जमीन के नीचे ड्रिल करना पड़ता है ताकि वो नीचे मौजूद उस लेक से फ्रेश वाटर निकाल सके। बट जितना पानी वो निकालते जाते हैं लेक में, उतना पानी कम होता जाता है जमीन के नीचे, और इसी वजह से लेक का पानी कम होता रहता है, जिस वजह से ऊपर की जो जमीन है वो धंसने लगती है धीरे धीरे, और ऊपर बसा जो मेक्सिको सिटी है वो भी उसके साथ नीचे धंसने लगता है। और दोस्तों, बिकॉज मेक्सिको सिटी बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, उसकी पूरी की पूरी जमीन कॉन्क्रीट से ढकी हुई है, इसलिए बारिश का पानी नीचे जाके ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट भी नहीं होता है। इस पूरे पूरे प्रॉब्लम का जड़ मेक्सिको सिटी के हिस्ट्री में मौजूद है दोस्तों, जिसमें हम अभी नहीं जाने वाले। अगर आप चाहें तो इसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके। यूं तो माउंट एवरेस्ट को वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक का दर्जा मिला हुआ है, बट ये सब सिर्फ 3 वर्ड्स की वजह से, अबव सी लेवल। अगर हम टेक्निकली किसी माउंटेन की बेस से उसके पीक तक की हाइट को मेजर करें बाकी सारे पैरामीटर्स को इग्नोर करते हुए, देन दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन होगा इसका दर्जा मौना किया को चला जाएगा। मौना किया पहाड़ी का जो टोटल हाइट है वो 10,210 मीटर्स के आसपास है, जो कि माउंट एवरेस्ट के 8,849 मीटर्स से भी ज्यादा है। बट दोस्तों, मौना किया को वर्ल्ड के टॉलेस्ट पीक का दर्जा इसलिए नहीं मिला है बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ 4,205 मीटर ही अबव सी लेवल है, और इसका बाकी का हिस्सा समुद्र के नीचे में है। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। मौना किया, जिसकी हाइट 10,210 मीटर्स के करीब है, वो वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन तो बन सकती है, बट स्टिल वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक का दर्जा उसे नहीं दिया जा सकता अगर हम टेक्निकली देखें। माउंट चिम्बोराजो जो कि इक्वाडोर देश में मौजूद है, इसकी हाइट महज 20,564 फीट है। याद रखें, मैंने पिछले हाइट्स को मीटर में कहा था, ये फीट में है। और दोस्तों, ये जो हाइट है ये बोथ माउंट एवरेस्ट और मौना किया से कम है, स्टिल इस माउंटेन को वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक का दर्जा दिया जा सकता है। और ये पॉसिबल हो पाता है ओनली बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ इक्वेटर लाइन के पास काफी ज्यादा वाइड होती है, और दोस्तों बॉटम में या फिर टॉप में पोल्स के पास ये थोड़ी सी कम वाइड होती है, और यही रीजन है दोस्तों कि माउंट चिम्बोराजो की जो पीक है वो अर्थ के कोर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, बिकॉज ये इक्वेटर के काफी ज्यादा पास में है। दोस्तों, माउंट चिम्बोराजो की हाइट माउंट एवरेस्ट से कम होने के बावजूद ये माउंट एवरेस्ट से नियरली 7,000 फीट की हाइट पे ज्यादा है आसमान में। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, और अगर इस वीडियो का आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। तो चलिए, मिलता हूं मैं आपसे एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।